नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिटल। जनपद आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, भी सड़क सरेआम युवक पर चलाई गोलियां, जान से मारने की धमकी देते हुए फरार। मुकदमा दर्ज होने के 7 दिन बाद भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। पुलिस पर लगा आरोपियों से मिली भगत कर कार्रवाई व गिरफ्तारी न करने का आरोप। दबंग आरोपी पीड़ित के घर आकर दे रहे हैं जान से मारने की धमकी और केस वापस लेने के लिए बना रहे हैं दबाव। आपको बता दें कि मामला यूपी के आगरा का है। मुन्नालाल पुत्र नत्थीलाल गांव चदोरा शमशाबाद आगरा अपने भाई सौदान सिंह के साथ 24 दिसंबर को आगरा आरटीओ ऑफिस से अपने गांव बैगनार गाड़ी नंबर UPSC EN 2526 से वापस जा रहा था। डिगनेर पुल के पास उसके ऊपर अपाची सवार 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वह मुश्किल मुन्नालाल और उसके भाई ने अपनी जान बचाई और शोर मचा दिया। गोलीबारी की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए व भीड़ देखकर हमलावर मुन्नालाल को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मुन्नालाल ने यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी और बताया कि जिन लोगों ने हमला किया था वह लोग वही हैं जिनसे मुन्नालाल की पुरानी रंजिश है, जिनमें से 2 को आवाज के माध्यम से पहचान गया हूँ। एक भगवती प्रसाद पुत्र छोटेलाल, दूसरा जगमोहन और नरेंद्र पुत्र छोटेलाल है। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सप्ताह भर होने के बाद भी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि आरोपियों ने मुन्नालाल के घर आकर उसको केस वापस लेने और धमकियां देना शुरू कर दिया, जिससे पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। समाचार टीजेट के लिए आगरा से शानू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है? मुन्ना लाल है मेरा नाम। क्या प्रकरण पूरा बताइए। पूरा प्रकरण यह है कि सर मैं 24 तारीख को मैं और मेरा छोटा भाई सौदान सिंह आरटीओ ऑफिस से लौट रहे थे। शाम को 7 बजे देनगर पुल पर गाड़ी साइड में खड़ी करके मैंने कहा था मुझे पेशाब कर लेने, टॉयलेट करने के लिए गया था साइड में गाड़ी खड़ी करने के लिए। जैसे ही गाड़ी में मैं खिड़की खोल के अंदर घुसने को कहा था, तैसे ही 3 लोग अपाची गाड़ी पर आए थे और 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे मैं बाल बाल बच गया। सामने देखते बात बाल बाल बच गया और उन्होंने आवाज़ फायरिंग की आवाज़ जो धमकी देते हुए 2 लोगों को मैंने पहचान लिया आवाज़ से। उनका नाम भगवती स्वरूप छोटेलाल निवासी चंदौरा शमशाबाद और जगवान और नरेंद्र निवासी चंदौरा शमशाबाद, उनको दोनों को पहचान लिया। एक लोग पहचान नहीं पाया, वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने पहचाना नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं? इंस्पेक्टर साहब से भी मैं मिला हूँ तो उन्होंने कहा और कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। और किस तरीके का आश्वासन दिया गया? नहीं, हम जो हाँ कि पुलिस नहीं हमारे पास और बात करेंगे देखेंगे, अभी ये कोई आश्वासन नहीं दिया गया। चौकी इंचा साहब से तो मैं 3-4 बार मिला हूँ, घटना आज 5 दिन हो गए हैं। पूर्व में क्या झगड़ा था आपका? पूर्व में इन भगेलों में मैं भाई भाइयों में झगड़ा हुआ था, एक जमीन के पीछे विवाद हुआ था भाई भाइयों में। मुझे तो पुरानी रंजिश के कारण मेरा नाम लिखा दिया गया था और उसमें जांच हुई, यहाँ से विवेचना ट्रांसफ़र हुई मथुरा के लिए SIS में, वहाँ विवेचना हुई, विवेचना में मेरा नाम निकाल दिया गया क्योंकि मेरा नाम फर्जी पाया गया, क्योंकि घटना 11/12/2014 की दिखा रहे थे और मैं 8/12/2014 को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट था और 8/1/2015 को मैं छुट्टी मिली थी मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो घटना फर्जी पाई गई। उस रंजिश को लेकर उन्होंने, मैं आरटी ऑफिस आगरा से आ रहा था तो दिनगैर पुल पर मैंने गाड़ी खड़ी की, अपने सौदान सिंह छोटे भाई से कहा था कि मुझे पेशाब कर लेते। जैसे ही मैं पेशाब करने के लिए उतरा, पेशाब करके जैसे ही गाड़ी में अंदर घुसने को कहा, जैसे ही अपाचे गाड़ी में 3 लोग आए थे, उन्होंने आके सीधा अंधाधुंध फायरिंग किया। जैसे ही गाड़ी में अंदर घुसा मैं तो गाड़ी के गोली शीशे के पार होकर निकल गई है, शीशा भी फट गया है, गाड़ी डैशबोर्ड भी फट गया है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, 5 दिन हो गए हैं। मैं कई चौकी इंचार्ज साहब से मिला हूँ तो कहते हैं कि आज पुलिस लौटी है और समसात पुलिस से हमने कह रखा है हम पकड़ेंगे, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मेरी साहब एक ठाकुरों की बात है, वहाँ पर सब बघेलों का गाँव है, इसलिए मैं गाँव छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं गाँव से बहुत भयभीत हूँ, सुबह उन्होंने पकड़ लिया था मुझे बाईपास कोल स्टोर पर और तमंचा धर के कहा था कि साले राजीनामा कर ले नहीं जान से मार देंगे, सुबह भी मुझे धमकाया था।